नमस्कार, मैं हूँ एकता। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर जालौन से है। जिला पंचायत सदस्य से डीएम की तीखी नोकझोंक, डीएम ने कुर्सी छोड़कर खुद बैठने का दे डाला आमंत्रण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला पंचायत सदस्य से तीखी नोकझोंक के बाद जिलाधिकारी ने कुर्सी छोड़ दी और जिला पंचायत सदस्य को ज्यादा बुद्धिमान होने की संज्ञा देते हुए हाथ जोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठने का आमंत्रण दे डाला। बता दें कि मामला माधोगढ़ तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिला पंचायत सदस्य रविन्द्र सिंह ने किसानों की नहर के ओवरफ्लो होने से खराब होने वाली फसलों की समस्या का मामला उठाया, जिस पर नहर विभाग के अधिकारियों ने डीएम के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन जिला पंचायत सदस्य अपने ही बातों पर अड़े रहे, जिससे अचानक डीएम का पारा चढ़ गया। वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य से हाथ जोड़कर उनकी कुर्सी पर बैठकर न्याय देने को कह दिया। इस बात से कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा छा गया और सब सकबकाए जिला पंचायत सदस्य कुछ समय तक हक्का बक्का रह गए। हालांकि अपने शब्दों को वापस लेने की बात के बाद डीएम ने नहर विभाग के आला अधिकारियों को मौके पर जांच के लिए भेजा। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 79 शिकायतें आई, जिनमें मौके पर 10 का निस्तारण हो गया। जालौन यूपी से विकी प्रजापति की रिपोर्ट। 79 शिकायतें हमारे पास आई हैं, जिसका मौके पर जो है 10 का निस्तारण हो गया और कई शिकायतों के लिए हमारी टीम बनी है और कई जगहों के लिए हमने सीधा ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो 2 बजे के बाद जो है जाके जो है कार्रवाई करेंगे। देखिए, नहर विभाग की वजह से किसानों का कहना है कि उनकी फसलें जो है नुकसान हुई हैं, तो उसका सर्वे ऑलरेडी जो है तहसील से कराया जा रहा है। अगर उनका नुकसान ओवरफ्लो के कारण हुआ है या टूटने के कारण हुआ है नहर के, तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा कि जिनके शिकायतें हैं वो सही है या नहीं है। जी सर, कुछ लोगों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश और यूपी का जो बोर्ड है उनका पड़ा हुआ है, उसके लिए देखिए उनके उस मांग को जो है हम शासन तक पहुंचा देंगे और उम्मीद करेंगे कि शासन से जो है वो स्वीकृति प्राप्त होगी। देखिए, जो भी प्रधानों की शिकायत आती है, चूँकि एफिडेविट पे उसको लिया जाता है और उसके जांच करा के अगर उनको सही पाया जाता है तो कार्रवाई भी जो है की जाती है।